सो वेलकम बैक माई यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? मोनिका ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नाइट का समय हो चुका है और कल है महाशिवरात्रि और हम लोग जा रहे हैं चौड़ागढ़। तो जानू भी रेडी है और हम अभी बस का वेट कर रहे हैं, बस आती है फिर हम निकलते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स, हमें यहाँ से मिल चुकी है तूफान और हम तूफान में हो चुके हैं सवार। तो सभी लोग मिल चुके हैं, हर हर महादेव, बंजारी माई पहुंच चुके हैं और यहाँ पे करेंगे हम थोड़ा पूजा पाठ, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो ड्राइवर भैया ने इधर गाड़ी लगा दी है साइड में, उसके बाद हम जाएंगे मंदिर और मंदिर में दर्शन करेंगे माता रानी के, और उसके बाद हम पियेंगे चाय और फिर चाय पी के हम आगे की ओर निकलेंगे। रानी आ चुके हैं, चाय ले लिए हैं, चाय पी लिए हमने और अब हम बस मटकुली पहुंचने ही वाले थे। और देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है, और लंबा जाम लगा हुआ था पर मैंने वीडियो पूरा बना नहीं पाई। और देखिए भैया ने आगे लागे लगा दिए गाड़ी और बस हम पहुंच गए मटकुली और यहाँ से हम पचमढ़ी के लिए निकल चुके हैं। अब तो हम लोग आ गए हैं पचमढ़ी और यहीं पे छोड़ दिया उसने। अब जहाँ से चढ़ाई चालू होती है वो तो बहुत दूर है यहाँ से। और यहाँ पे अभी भैया भाभी आने वाले हैं नर्मदापुरम से, तो मिलाते हैं हम आप लोगों को। भैया भैया एक बार टिल्ली ले ली जल्दी है ना। हाँ, कौन जल्दी। पचमढ़ी से हम निकल चुके हैं बड़े महादेव के लिए, वहाँ से होती है यात्रा स्टार्ट। और ये देखिए सारे भक्त सो रहे हैं, कुछ आने वाले हैं कुछ जाने वाले हैं, सभी यहाँ पे सो जाते हैं जो थक जाते हैं। और ये देखिए यहाँ से व्यू, वहाँ जाना है हमें भोलेनाथ से मिलने, कितना पहाड़ चढ़ के जाना है देख सकते हैं आप लोग। और ये पहुँच गए हम पहली पायरी और यहाँ से होगी सीढ़ियाँ स्टार्ट, और ये पूरा यहाँ से चढ़ाव चढ़ाव है, पूरे पहाड़ चढ़ना है हमें। और बने रहे हमारे साथ इसी तरह और देखिए हमारी यात्रा कैसी रही। और अभी समय हो चुका है 4 बज चुका है और हम देखते हैं वहाँ कितने बजे पहुँचते हैं। तो चलिए फिर यात्रा शुरू करते हैं। बोलो हर हर महादेव। ध्यान से देखो भाभी को क्या हाल हो चुके हैं इनके, और देखिए हमारे भैया को तरोताजा तुस्त तंदुरुस्त दिख रहे हैं। नानू क्या हाल है? बस भाभी मंजिल वो दर फिर उतरो पैर से स्टेबल हो जाएंगे। देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं प्रवेश द्वार पे, मतलब हम आ चुके हैं महादेव चौड़ागढ़। और यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे ऊपर और थोड़ा सा चढ़ना है, उसके बाद हमें भोलेनाथ के दर्शन होंगे। और देखिए कितनी भीड़ है, यहाँ से लाइन लग चुकी है दर्शन के लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भक्तों का उमड़ लग चुका है और क्या पता हम कब तक वहाँ पहुँच पाएंगे। पूरे पूरे 2 घंटे हमें यहाँ तक पहुँचने में लगे हैं इस भीड़ में, न जाने हम कैसे कैसे यहाँ तक पहुँच गए। कुछ जोर लगाया ना कुछ, धक्का धक्का मुक्की यही चल रही थी, पूरे भक्त एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जैसे तैसे हम लोग यहाँ पहुँचे और उसके बाद देख सकते हो हमारे क्या हाल हो चुके हैं। हम लोग फिर बहुत खुश हैं, महादेव की शादी हम तो नाचेंगे भैया। ये देखिए ये हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के गेट के पास, तो मैं सबको दिखा रही हूँ, सब लोग अभी लगे हुए लाइन में और हम पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर। आगे का वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। और ये देखिए यहाँ सभी भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद जो त्रिशूल लाते हैं यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, 2 घंटे हमें ऊपर दर्शन करने में लग गए हैं और अभी बज चुके हैं 10 और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने भोलेनाथ के। ये फर्स्ट मूर्ति है जो ऊपर रखी हुई थी, फिर उसके बाद ये खंडित हो गई थी तो इन्हें यहाँ पर रख दिए लाकर। और अब हम घर की ओर निकल जाते हैं,
तो देखिए कितना रस है, कितने भक्त अभी आ ही रहे हैं। ये पूरा रात भर यही होगा और आज महाशिवरात्रि है इसलिए और ज़्यादा भीड़ है। तो ये लास्ट डे है मेले का, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहेगी। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जाम लग चुका है, ये भक्त उतरने वाले और चढ़ने वाले और बीच में बिल्कुल जाम लग गया है। तो अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, अब दूसरे रास्ते से जाएंगे। तो फिर से हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है और उसके बाद फिर वहाँ से हम उतरेंगे। फिर हम उतर के नीचे पहुँचे और भैया को लग गई थी भूख, तो दो भैया फास्ट नहीं थे, निकेत भैया और नितिन भैया, और बाकी जानू मैं और भाभी हम लोग फास्ट थे। और ये दोनों खाते हैं यहाँ पे मक्के की रोटी और हम लोग तो कुछ नहीं खाएंगे। जानू को देखो क्या हाल हो गए हैं। और ये देखिए मक्के की रोटी और ठेचा उन लोग ने खाया, हम लोग ने पिया गन्ने का जूस और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने जिप्सी कर ली है और यहाँ से ये ले रहे हैं 50-50 रुपए पचमढ़ी छोड़ने के लिए। तो हम लोग इसमें विराजमान हो चुके हैं और यहाँ से हम निकल जाएंगे। पचमढ़ी आ चुके हैं और ये देखिए मेला लगा हुआ है, बहुत ही बड़ा मेला था और हम लोग तो इतना थक गए थे कि हमने कुछ घूमा नहीं। और यहाँ पचमढ़ी में भी हमें बहुत चलना पड़ा क्योंकि यहाँ पे बाय भैया मिलते हैं फिर, बाय नितिन भैया, भैया भाभी को बाय करके हम भी आ गए हैं। और इत्तेफाक से वही तूफान हमें फिर से मिल गई जो रात पे मिली थी और हमें 2 घंटे उसमें वेट करना पड़ा। उसके बाद उसने सारी गाड़ी भरा, उसके बाद हम निकले और चलिए मिलते हैं घर पे। और घर आके नहा धो के पूजा पाठ करके अब तो हम भैया जा रहे हैं सोने, तो मिलते हैं कल। और सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। और चलिए आप लोग को बताती हूँ कितना हम चले हैं। तो हम भैया 19,000 कुछ स्टेप चले हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितने किलोमीटर हम चले। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब।